अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल VideoWaliSarkar और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्टफोन्स को। अब अगर मैं आपके सामने स्मार्टफोन का वर्ल्ड बोलूं तो शायद आपके माइंड में कुछ ऐसा जो है एक पिक्चर आ जाए जहां पर एक मोबाइल फोन हो जिसके सामने टच स्क्रीन हो, बैक पर एक या दो कैमराज हों, और ये जनरल परसेप्शन कंसिडर किया जाता है किसी भी स्मार्टफोन के रिलेटेड। उसकी रीज़न ये है कि स्मार्टफोन पॉपुलर होने में एक तरफ एंड्रॉयड था, दूसरी तरफ iOS था, लेकिन इनसे पहले जो स्मार्टफोन्स ओवरऑल दुनिया में मार्केट में आ रहे थे वो बेसिकली कीपैड के साथ ही आ रहे थे और उनको नोकिया मैन्युफैक्चर कर रहा था। अब आजकल क्योंकि स्मार्टफोन्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कीपैड वाले फ़ोन हैं उनका दौर चला गया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि स्मार्टफोन पर सिर्फ इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि वो टच स्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहते, और वो स्मार्टफोन पर इसलिए भी शिफ्ट नहीं हो रहे क्योंकि ऑल दो स्मार्टफोन्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। अभी भी जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन है वो 10,000 से ऊपर जाकर स्टार्ट होता है, और यही वजह है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अभी इतने ज़्यादा पैसे भी किसी फ़ोन के ऊपर नहीं खर्चना चाहते। और 10,000 के करीब भी जो स्मार्टफोन स्टार्ट होते हैं वो एंड्रॉयड गो वाले होते हैं जिनके अंदर आपको जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्लो मिलता है। अब गूगल ने कोशिश की कि एंड्रॉयड गो को कम से कम रैम के ऊपर और कम से कम प्रोसेसिंग पावर के ऊपर चलाया जाए, लेकिन आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को कितना कम पावर पे चला लेंगे? वेल, यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने आया है उसका नाम है KaiOS। आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये जैज का Digit4G फ़ोन अवेलेबल है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये कौन सा मोबाइल फ़ोन है और इस चीज़ पे फोकस करें कि इसके नीचे वाली साइड पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये KaiOS मेंशन किया गया है, और KaiOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोज़िला के फायरफॉक्स OS का एक नया वर्जन है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ख़ास तौर पर ऐसे मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनाया गया है जिनमें बहुत कम रैम है, जिनके अंदर बहुत कम प्रोसेसिंग पावर है, और ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि कीपैड वाले फ़ोन को नहीं छोड़ना चाह रहे। तो बेसिकली हुआ ये है कि कंपनीज ने पहले ये कोशिश की है कि वो सारे लोग जो कि सस्ते मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं उनको किसी तरह थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्चने में मजबूर किया जाए और उनको स्मार्टफोन के ऊपर लेकर आया जाए, यानी कि टच वाले स्मार्टफोन पे लोग नहीं आए। तो अब उनने डिसाइड किया है कि भाई ऐसे लोग जो कि 2-3-4 हज़ार रुपए से ऊपर का मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहते उनके लिए KaiOS को लॉन्च किया जाए। अब KaiOS जो है इसके अंदर आपको वो सारे बेसिक हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक स्मार्टफोन को एक स्मार्टफोन बनाते हैं। यहाँ पर फेसबुक की सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, गूगल इस पर चल जाती है, यूट्यूब इस पर चल जाती है, व्हाट्सएप की फैसिलिटीज पे अवेलेबल है, ये 4G सपोर्टेड डिवाइसेज हैं और इनके अंदर वाईफाई की सपोर्ट भी दी गई है। तो ऑन पेपर देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई लो एंड एंड्रॉयड फ़ोन का स्पेक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्रंट पे देखते हैं तो ये एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन है। और जैज ने रिसेंटली कुछ मॉडल्स लॉन्च किए हैं, आज हमारे पास जैज का एलीट और जैज का डिफेंडर मौजूद है। इन दोनों सेल फोन्स के अंदर आपको मीडियाटेक के चिपसेट देखने को मिल जाते हैं, दोनों सेल फोन्स के अंदर 512 MB की रैम लगाई गई है, और 512 MB रैम अगर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर हो तो मेरे ख्याल से आजकल एंड्रॉयड फ़ोन ऑन भी नहीं होगा सही तरह से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि KaiOS है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली बेहतर होने वाली है। हम दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं जैज के ये डिफेंडर को। इनके अंदर थोड़ा बहुत स्पेक्स का डिफरेंस ज़रूर मौजूद है, लेकिन इन जनरल दोनों ही KaiOS की डिवाइसेज हैं, और जो स्पेक्स का फ़र्क है वो बैटरी लाइफ, स्क्रीन साइज़ और इस तरह की चीज़ों में है। जो बेसिक्स हैं जिनमें प्रोसेसर वगैरह है वो दोनों में सेम है। इसके साथ जैज आपको फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी भी दे रही है, तो इसके साथ आपको कुछ फ्री इंटरनेट के MBs वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। आई गेस 1 GB है और उसके अलावा फिर 5 GB है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। जो फ़ोन है वो देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल फ़ोन लगता है, सामने की तरफ डिजिट की ब्रांडिंग की गई है तो जैज की ब्रांडिंग नहीं है सामने की तरफ, बैक वाली साइड पर जैज लिखा हुआ है और लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय डिजिट, तो कंपनी जिसने फ़ोन बनाया है उसका नाम डिजिट है और बनाया है जैज के लिए। बैक साइड पर आपको कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि बटनों वाले फ़ोन्स में जनरली कैमराज आते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। और फर्दर इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है एक चार्जर, और ये जो चार्जर है अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल एक नॉर्मल क्वालिटी का चार्जर होगा, और ये एक माइक्रो USB चार्जर है, और इसकी जो एम्पेयर रेटिंग है वो 700 mAh है, तो 1 ampere का भी चार्जर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो फ़ोन है ये बेसिकली एक बटनों वाला सेल फोन है, तो इन दोनों फ़ोन्स में से ये जो पहला मैंने अनबॉक्स किया है ये डिफेंडर है। सिम सिचुएशन दोनों फ़ोन्स के अंदर ही सेम होने वाली है, यहाँ पर आपको 2 SIMs और एक मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। और मैं अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं आपको दोनों फ़ोन्स जो हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंसेस है वो बता देता हूँ।
वेल ये डिफेंडर हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा अवेलेबल है इसका नाम है एलीट। तो इसका नाम जो है ज़रा प्रीमियम रखा गया है और इन दोनों के दरमियान में पहली चीज़ तो बैटरी का फ़र्क है। एलीट के अंदर 2000 mAh की बैटरी है, डिफेंडर में 1700 mAh है, तो बैटरी थोड़ी बेहतर मिल जाएगी। उसके अलावा दोनों में स्क्रीन साइज़ का फ़र्क है और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन अदर देन दैट एज सच कोई भी ज़्यादा बड़े फ़र्क नहीं है। तो मैं ये जो फ़ोन है इनको जल्दी से टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके तो दोनों फ़ोन यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो डिफेंडर है, मुझे लग रहा था कि इसमें और इन दोनों में सिर्फ स्क्रीन साइज़ का और बैटरी का फ़र्क होने वाला है, लेकिन इन दोनों फ़ोन्स के अंदर और भी काफ़ी फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि ये जो एलीट वाला फ़ोन है जो कि 4599 रुपये के प्राइस टैग में आ रहा है, इसके अंदर आपको फ्रंट और बैक साइड पर दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। ऑल दो उनकी क्वालिटी आई एम अज्यूमिंग के बहुत लो क्वालिटी होने वाली है, लेकिन फिर भी एक फैसिलिटी दी गई है, बैटरी लाइफ भी बड़ी है, स्क्रीन साइज़ का भी फ़र्क है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये डिफेंडर जो है इसको ज़्यादा नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अगर किसी बंदे ने परचेज़ करना भी हुआ तो वो ये एलीट वाले फ़ोन की तरफ ही ज़्यादा जो अपनी नज़र है वो लेकर जाएगा। ऑल दो कैमरा क्वालिटी काफ़ी नॉर्मल क्वालिटी है, कोई ख़ास क्वालिटी मुझे लग नहीं रही, लेकिन आपको फ्रंट और रियर दोनों पे कैमरास लगने को मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐप की जो है ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो बिल्ट इन ऐप्स आपको देखने को मिल जाती हैं उसमें गूगल असिस्टेंट है जिसकी आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट अवेलेबल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप यहाँ पर चल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको YouTube की भी एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिल रही है। अब KaiOS के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये किस तरह से इन सब चीज़ों को हल्का रखती है। वेल जनरली जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती है, लेकिन KaiOS के अंदर इस चीज़ को ख़ास तौर पर इंश्योर किया गया है कि सिर्फ वो एप्लीकेशंस चलें जिनका ज़्यादातर काम किसी सर्वर के ऊपर हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब की जो वीडियो है वो आपका मोबाइल फ़ोन प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो वीडियो यूट्यूब के सर्वर पर चल रही होती है। अगर आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं तो गूगल मैप जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं चला रहा होता, वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल का सर्वर आपके मोबाइल फ़ोन को दे रहा होता है, आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ उसको दिखा रहा होता है। तो KaiOS के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो जनरली वेब ऐप्स हैं, YouTube जो है वो ऑलरेडी इस पर चल रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप YouTube को बगैर किसी ट्रैकिंग आईडी के, बगैर किसी अकाउंट के खोलते हैं तो मोटू पतलू सबसे पहले पाकिस्तान में रिकमेंड होते हैं। आई डोंट नो उसकी क्या रीज़न है, लेकिन एटलीस्ट ये जो कुछ टाइम पहले तक अजीबोगरीब डांस वीडियोज़ आ रही होती थी उससे तो बेहतर है। तो पाकिस्तानियों ठीक जा रहे हो, मतलब अब आप लोग मोटू पतलू पर ट्रांसफ़र हो गए हो, ऑल दो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है, लेकिन सही जा रहे हैं। फ़ोन जो है वो इन इटसेल्फ एक और चीज़ बहुत यूनिक कर रहे हैं और वो ये है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जनरली हमें आदत पड़ गई है कि थोड़ा बहुत लोडिंग टाइम होगा, लेकिन ये जो बार फोन्स होते थे या इनको अब मैं स्मार्टफोन कहूँ, इनके अंदर अब भी लोडिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। आप जैसे ही किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं वो फ़ौरन से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास 4G की फैसिलिटी भी दी गई है और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट भी अवेलेबल है, तो आप कोई चीज़ अगर बोल के करवाना चाहते हैं उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 4G को सपोर्ट करता है तो इस मोबाइल फ़ोन को आप एज अ हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ी यूनिक चीज़ बन जाती है, क्योंकि जनरली इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो हॉटस्पॉट है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल हो भी तो वो ज़रा महंगे हो जाते हैं। और आजकल जो नॉर्मल डिवाइसेज आ रही हैं जिन पर आपने इंटरनेट चलाना होता है उनका प्राइस टैग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोपोजिशन के साथ आता है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा बंदा हैं जो कि एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे थे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड वाली साइट पर पैसे भी पे ना करना पड़े, और वो सारे लोग जो मुझे 10,000 के फ़ोन पे भी कमेंट करते हैं कि बिलाल भाई महंगा हो रहा है, आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस जिनको आप परचेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको काय स्टोर के नाम से एक स्टोर भी देखने को मिल जाता है और स्टोर के अंदर रोज़ाना की बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और KaiOS जो है इंडिया के अंदर आईफोन से ज़्यादा हो गया है, तो KaiOS की डिवाइसेज क्योंकि सस्ती हैं तो इंडिया के अंदर इसकी जो सपोर्ट है वो अब इस टाइम iOS से ज़्यादा है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं वो KaiOS के ऊपर अब सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। इंडिया में जो जियो फ़ोन आया था वो KaiOS पे बेस्ड था, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ जैज़ ने की है जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो मीडियाटेक ने बनाया है। अगेन हर वो कंपनी जो कि इस काम को कर रही है मैं उनको कहना चाहूँगा कि यार दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इससे हम उन लोगों को स्मार्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि जनरली स्मार्टफोन की तरफ नहीं सोचते थे। ये फ़ोन जो है बेसिक फीचर्स के साथ आता है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक बहुत सॉलिड ऑप्शन हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी भी बटनों वाला फ़ोन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए जिनमें व्हाट्सएप वगैरह हो, तो वो इस फ़ोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं, या वो KaiOS की दूसरी डिवाइसेस से भी देख सकते हैं। अगर आप इन फ़ोन्स को परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं। दोनों फ़ोन्स के लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ये जो एलीट वाला मॉडल है ये ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान में तकरीबन 600 रुपए का डिफरेंस है, 600 भी नहीं 500 का डिफरेंस है, और 500 के अंदर आपको दो कैमरास, बेहतर बैटरी लाइफ, बेहतर स्क्रीन और एक बेहतर डिवाइस देखने को मिल रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसी की तरफ जाएं। इनके अंदर जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 4GB है और मेमोरी कार्ड की ऑप्शन दोनों फ़ोन्स में अवेलेबल है, तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। लेकिन देन अगेन जो लोग बाहर फ़ोन यूज़ करते हैं वो इन सब चीज़ों से मेरे ख्याल से पहले से वाकिफ़ होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि KaiOS का मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मैंने कुछ टाइम पहले Xiaomi के एक फ़ोन का रिव्यू किया था जिसमें सिर्फ 4G की फैसिलिटी अवेलेबल थी, और आप में से अब तक लोग जो हैं मुझे ईमेल्स करते हैं कि बिलाल भाई वो फ़ोन कहाँ से मिलेगा, उसकी प्राइस 8,000 थी, ये फ़ोन 4,599 में आ रहा है, तो आई थिंक ये उससे मच बेटर ऑप्शन है। और आई वुड रिकमेंड कि अगर आप उस फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे थे तो आप पहले इस फ़ोन को देख लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलरली लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।